प्रज्ञा को अब पता भी नहीं था कि आगे क्या ही होने वाला था, लेकिन फिर भी उसको सुमन को कुछ तो बताना होगा। सिद्धांत के पिता ने शादी की बात की है, उसने कहा। सुमन इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगी। उसे मालूम था कि माहेश्वरी खानदान एक बहुत अमीर और रिस्पेक्टेड फैमिली थी और उन्हें प्रज्ञा की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ऊपर से सिद्धांत ने इस घर को वापस खरीदने में बहुत मेहनत की थी और उसको पहले जैसे बनाने में भी। इसका मतलब कि वो उसकी बहुत केयर करता था। तो तुम सिद्धांत से शादी कर लो, सुमन ने कहा। इस बात को सुनते ही प्रज्ञा ने अपनी नाक सिकोड़ ली और अपना सिर झुका लिया। क्यों, वो तैयार नहीं है क्या, सुमन ने उसका रिएक्शन देखते हुए कहा। लेकिन प्रज्ञा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन उसकी चुप्पी को तुरंत समझ गई और बोली, उसका मतलब क्या है, तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन प्रज्ञा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, मुझे ले चलो सिद्धांत के पास, मैं उससे बात करूंगी, सुमन ने इंपेशेंट होते हुए कहा। सुमन बहुत ही गुस्सैल थी, वो प्रज्ञा को इस तरह ट्वीट होते हुए नहीं देख सकती थी। वो अपने पुराने मालिक के लिए उनकी जगह सिद्धांत से लड़ सकती थी, वो प्रज्ञा को और दुख में नहीं देखना चाहती थी। अपने लिए उसको इतना गुस्से में देख प्रज्ञा खुश हो गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम भी एक अच्छे घराने की बेटी हो और अगर मिस्टर माहेश्वरी शादी के लिए मान गए हैं तो सिद्धांत को क्या दिक्कत है? मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती, नहीं तो इस शादी में खुशहाली नहीं होगी। वो जानती थी कि सिद्धांत से शादी करना, वो भी अगर उसके पति का दिल किसी और के नाम हो तो, ये सही नहीं है। और प्रज्ञा कभी भी कीर्ति नहीं बनना चाहती थी जिसने अपने बच्चे को यूज करते हुए माहेश्वरी परिवार में शादी की। वो जानती थी ऐसा करने से उसको दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सुमन कुछ हिचकिचाई और फिर बोली, लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धांत तुम्हारी बहुत केयर करता है। मुझे सुनील से पता चला कि उन्होंने तुम्हारे पिता की फैक्ट्री को भी खरीद कर तुम्हारे नाम कर दिया है। उसमें टाइम और एनर्जी कितनी लगी होगी, जिसका मतलब वो तुम्हें जरूर पसंद करते हैं। लेकिन फिर शादी में हिचकिचाहट कैसी? सुमन के इतने क्वेश्चंस के बाद प्रज्ञा खुद को रोक नहीं पाई और उसे उस ड्रीम गर्ल का सच बता दिया कि कैसे वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थी। इस दुनिया में उसके पेरेंट्स के अलावा सिर्फ सुमन ही थी जो उसकी केयर बिना किसी सेल्फिश रीजन के करती थी, तो उससे कुछ छिपाना सही नहीं था। लेकिन सच सुनकर सुमन का चेहरा डर से भर गया। उसकी नजर उसके सामने बैठी हुई प्रेग्नेंट लड़की पर थी और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगी। कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, प्रज्ञा ने उसको शांत करने के लिए कहा। उसने एक मुस्कुराहट को जबरदस्ती चेहरे पर लाते हुए कहा। लेकिन सुमन ने अपना सिर हिलाया, अगर वो ठीक होती तो इतना दुखी नहीं दिखाई देती। सुमन की पैनी नजर प्रज्ञा को अनईजी फील करवा रही थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। प्रज्ञा, तुम उससे शादी करना चाहती हो ना, सुमन ने उसे अचानक से पूछा। नहीं, उसने एकदम से कहा, नहीं मैं नहीं करना चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर तुम उसके बच्चे को जन्म क्यों देने वाली हो, सुमन ने लॉजिकली पूछा। इस सवाल के बाद प्रज्ञा के होंठ मानो जैसे फेविकॉल से चिपक गए हो। सुमन के कहने के बाद उसे रियलाइज हो रहा था कि ये बात कितनी सच थी। अगर उसे इस बच्चे को अबॉर्ट ही करना होता तो वो कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मतलब वो सिद्धांत से सच में प्यार करती थी। अभी तक उसके मन में ये था कि वो ये सब अपने पिता की फैक्ट्री को बचाने के लिए और उसकी वजह से किसी को दर्द ना हो, इस वजह से ये सब कर रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो साफ साफ देख रही थी कि आखिर मामला था क्या। उसने उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि वो उसकी जिंदगी में इंक्लूडेड फील करना चाहती थी। उसके लिए ये रियलाइजेशन बहुत ही बड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अचानक से उसको बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। वो बोली, आंटी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। प्रज्ञा इस बात को अवॉइड कर रही थी। यही इस बारे में बता रहा था कि उसके दिल में सिद्धांत के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स थी, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट करने से झिझक रही थी। सुमन ने एक लंबी सांस ली और कहा, प्रज्ञा एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे परिवार की तरह हूँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। उन्होंने उसका हाथ स्क्वीज करते हुए कहा। प्रज्ञा ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी और देर बात करने के बाद प्रज्ञा और सुमन नीचे आ गए। सुनील उनको देखते ही उनके पास आया। मिस्टर सुनील, मैं इस घर में 10 साल काम कर चुकी हूँ और मेरे साहब ने मेरा बहुत मान किया है। मैं प्रज्ञा को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह सिद्धांत कौन है, लेकिन मेरी प्रज्ञा को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुमन ने सुनील को वार्न करते हुए कहा। मैम आप देख सकती हैं, बॉस ने प्रज्ञा को कभी भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया, सुनील ने कहा और प्रज्ञा की तरफ मुड़ा और आगे बोला। प्रज्ञा, इस घर के मालिक इसको बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन बॉस ने इस घर के लिए उनको ट्रिपल अमाउंट देकर इसको खरीदा है। इस घर को पहले की तरह डेकोरेट करने के लिए भी उन्होंने पुराने फोटोग्राफर्स ढूंढे और उनको लोगों के पास भेजा और उनसे या तो सेम फर्नीचर ढूंढने को कहा था या बनाने को कहा। आपके पुराने टॉयज सारे किसी वेयर हाउस में भेज दिए गए थे, जिनको हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा। यहाँ तक कि उन्हें सुमन जी के बारे में जब पता चला तो उन्होंने मुझसे उनको यहाँ लाने के लिए कहा, सुनील ने उसे सब कुछ बताया। प्रज्ञा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। उसने एक डेज में सुमन को बाय कहा और बाहर निकल गई। सुनील भी उसके पीछे पीछे चला। कार में बैठने के बाद वो बहुत ही खोई हुई थी। उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। सुनील ने उसकी तरफ रियर व्यू मिरर से देखा और सोचा कि शायद इतने सबके बाद प्रज्ञा का मन सिद्धांत के लिए थोड़ा बहुत पिघला होगा। बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको वहां ले जाऊं,
सुनील ने हिचकिचाहट के साथ कहा। हाँ, प्रज्ञा ने तुरंत कहा। शायद वो अब सिद्धांत के साथ इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। सुनील ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा। प्रज्ञा का दिल पिघल रहा था, मतलब सब कुछ सही जा रहा था। सुनील ने मुस्कुराते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। उसी समय पटेल विला में तानिया अपने काउच पर बैठे हुए मैगजीन्स के पेजेस पलट रही थी। उसकी पैनी नजर मैगजीन्स के पेजेस पर छपी हुई लड़की पर थी। उस मैगजीन के पेजेस पर एक मुस्कुराती हुई लड़की की फोटो थी, जो कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। ये फोटोज प्रज्ञा के प्रेग्नेंट होने के पहले ली गई थी। उसके फीचर्स इतने सुंदर थे और इतने चार्मिंग थे कि वो किसी भी आदमी के दिल को चुरा ले। और शायद ऐसे ही उसने सिद्धांत के दिल को भी चुराया था। तानिया ने जोर से वो मैगजीन टेबल पर पटक दी। वो अब एक और सेकंड प्रज्ञा का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अभी भी उसके मन को शांति नहीं मिली थी। उस दिन जब सिद्धांत ने उसे गिफ्ट्स के बारे में पूछा था, तो उसे लगा था कि वो उसके लिए कुछ भेज रहा है, और वो वेट करती रही। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो सब प्रज्ञा के लिए था। उसने प्रज्ञा को सरप्राइज करने के लिए वो गिफ्ट्स पूछे थे। प्रज्ञा के कारण उसे उससे बात की थी। उसने कहा था कि लड़कियों को प्रिंसेस जैसा फील करना अच्छा लगता है, तो सिद्धांत ने उसे पूरे देश में फेमस कर दिया था। तान्या का चेहरा गुस्से से भर गया और उसे अपने ऊपर से विश्वास हटने लगा। उसने प्रज्ञा को बहुत हल्के में लिया था। भले ही प्रज्ञा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसको लगा था कि वो उसकी मिस्ट्रेस से ज्यादा नहीं थी। अगर सिद्धांत को एक वाइफ ही चाहिए थी, तो उसके लिए पटेल परिवार की बेटी का किसी अनाथ से कोई कंपैरिजन नहीं था। वो खुद एक अमीर परिवार की बेटी थी और जानती थी कि ये लोग बहुत ही मिस्ट्रेसेस रखते हैं, और कईयों के साथ तो इनके पहले नाजायज बच्चे भी होते हैं। लेकिन वो कभी भी उन लड़कियों से शादी नहीं करते, बल्कि वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। वो शादी तानिया जैसी अच्छी घराने की लड़कियों से ही करते हैं। उसको लगा था कि सिद्धांत भी सेम था, और जब वो उस दिन प्रज्ञा को पार्टी में लाया था, तब भी उसको इतनी चिंता नहीं हुई थी। लेकिन अब उसको किसी भी बात की श्योरिटी नहीं थी। उसने प्रज्ञा को इम्प्रेस करने के लिए इतने पैसे खर्च किए थे, यानी कि वो उसको अपनी मिस्ट्रेस से ज्यादा मानता था। उसका मन पैनिक और डर से भर गया। उसने अपने आप को संभाला और बहुत देर बाद उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। वो हार नहीं सकती थी। उसके फेवर में सारा जहां था। उसके पास पैसा था, नाम था और सुंदरता भी थी। उसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो लड़ेगी, उस लड़के के लिए लड़ेगी जिसको वो सालों से चाहती थी। सिद्धांत के साथ जो लड़की थी, उसने तान्या की फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा जगा दिया था। उसने सोच लिया कि वो सालों के राज आज ही सिद्धांत को बता देगी कि उसको सिद्धांत पर क्रश था। यही सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक नंबर डायल किया जो उसको याद था। लेकिन उधर से उसको कंप्यूटराइज्ड आवाज आई। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। उसकी बौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। उसने सिद्धांत की सेक्रेटरी को कॉल किया, ताकि अगर वो मीटिंग में हुआ और कॉल नहीं उठा पाया, तो वो दूसरे नंबर पर कॉल कर पाए। जैसे ही फोन लगा, वो बोली, मैं तान्या बोल रही हूँ, नील पटेल की बहन। हाउ कैन आई हेल्प यू मिस पटेल? सिद्धांत की सेक्रेटरी जानती थी कि तान्या सिद्धांत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर की बहन थी, तो वो पोलाइटली बोली, मुझे सिद्धांत से कुछ काम था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? उसने पूछा। बॉस तो एक घंटे पहले ऑफिस से निकल गए हैं, वो सेक्रेटरी बोली। मैं जान सकती हूँ वो कहाँ गए हैं? तान्या ने इनोसेंटली पूछा। उसकी सेक्रेटरी को पता था कि उसको अपने बॉस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि तान्या सिद्धांत की फ्रेंड थी, इसीलिए वो बोली, बॉस तो क्रिस्टल रिजॉर्ट की तरफ निकल गए। वो वहाँ क्यों गया है? तान्या ने पूछा। उसने इस रिजॉर्ट के बारे में सुना था। वो सिटी के बाहर एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। वो वहाँ बिजनेस के लिए नहीं जाते, रिलैक्सेशन के लिए जाते थे, उसकी सेक्रेटरी ने कहा। तान्या के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। ये उसका मौका था। आज वो सिद्धांत से कन्फेस कर देगी। आज वो अपने प्यार का इजहार कर ही देगी। उसने अपना फोन रखा और अपने ड्राइवर से बोली, क्रिस्टल रिजॉर्ट, क्या होगा आगे? क्या तूफान लाएगा तान्या का कन्फेशन? क्या होगा जब प्रज्ञा और तान्या का सामना होगा? क्या वो समय आ गया था जब उसका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुनील ने कार क्रिस्टल रिजॉर्ट के बाहर रोकी और बोला, प्रज्ञा हम आ गए। उसने उतरकर प्रज्ञा के लिए कार का दरवाजा खोला। प्रज्ञा को सिटी व्यू की आदत थी, लेकिन जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा और उसका मुंह सरप्राइज में खुला रह गया। ये जगह बहुत ही सुंदर थी। सिद्धांत ने कुछ सालों पहले ये जगह खरीद कर यहाँ रिजॉर्ट बना लिया था, लेकिन यह पब्लिक के लिए नहीं खुला था, बट उसके एंटरटेनमेंट के लिए था। जब वो अंदर गई तो एक मिडिल एज का आदमी खड़ा हुआ था। हाय मैम, मैं रंजीत भार्गव हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, रंजीत ने कहा। प्रज्ञा उसके साथ अंदर गई। उसकी आंखें वहां की ग्रीनरी को देख रही थी। भले ही उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको इतना तो पता था कि सिद्धांत ने इस रिजॉर्ट पर बहुत पैसे खर्च किए थे। रंजीत ने प्रज्ञा को एक बहुत ही बड़ी लेक के सामने छोड़ा और कहा, आप यही वेट कीजिए, बॉस आते ही होंगे। वो जहाँ खड़ी थी वहां से लेक का व्यू बहुत ही मनमोहक था। उसका पानी बिल्कुल साफ नीला था।
उसके आजू बाजू एक अजीब सी शांति थी जिसने प्रज्ञा के मन को काम कर दिया था। उसने अपने सामने रखे हुए टेबल और कुर्सी के मार्बल को छुआ। वो सब किसी महल की तरह लग रहा था। वो इस सब में इतना खोई हुई थी कि उसने अपने सामने से आते हुए उस इंसान पर ध्यान ही नहीं दिया। सिद्धांत की नजर प्रज्ञा के ऊपर ही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। प्रज्ञा बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो कि अपने आजू बाजू की चीजों को लेकर क्यूरियस थी। सिद्धांत की पैनी नजर उसके ऊपर ही थी। प्रज्ञा उस जगह की सुंदरता को निहारते हुए पीछे कदम ले रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया। सिद्धांत ने तुरंत उसको पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ लिया। प्रज्ञा का दिल अभी भी बहुत ही तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा संभली और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। तुम आ गए, उसने सिद्धांत के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ आदमी बहुत ही स्ट्रांग था, वो एक कदम भी नहीं हिला। जब सिद्धांत ने प्रज्ञा से कुछ भी नहीं कहा तो उसने अपना सिर उठाकर सिद्धांत की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक टीजिंग लुक देखते हुए वो शर्मा गई और बोली, मुझे जाने दो। लेकिन सिद्धांत ने उसे एक मीनिंगफुल लुक दिया, जैसे आज उसका दिल बहुत कुछ बोलना चाहता था। वो अभी तक उसको अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में उसके लिए प्यार था, तो वो उसे कैसे ही जाने देता। आज तक किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन प्रज्ञा ने उसको ऑलमोस्ट पागल कर दिया था। वो उसके कारण बहुत ही अफेक्टेड था। तुम फाइनली मेरी बाहों में आ गई, उसने सेडक्टिव आवाज में प्रज्ञा के कान में कहा। उसका हाथ जो कि उसकी कमर पर था, उसने प्रज्ञा को कस के पकड़ लिया। प्रज्ञा की बॉडी अब सिद्धांत के बहुत करीब थी। उसकी बॉडी हीट ने प्रज्ञा को भी पागल कर दिया था। उसकी बॉडी बिना सोचे समझे सिद्धांत के टच पर रिएक्ट कर रही थी। सिद्धांत के होंठ उसकी गर्दन पर फील हुए। उसने प्रज्ञा को किस करना शुरू कर दिया। उसके दांत उसकी स्किन को हल्के से टीज कर रहे थे। प्रज्ञा थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई और उसमें खो गई। लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुली और उसे रियलाइज हुआ कि वो दोनों आखिर थे कहां। भले ही वो उसके रिजॉर्ट पर हो, लेकिन इतने दिनों में मिलने के बाद सिद्धांत बहुत आगे जा चुका था। सबसे ज्यादा शर्म की बात थी कि प्रज्ञा की बॉडी भी उसे धोखा देकर उसके टच को एंजॉय कर रही थी। वो कुछ पलों के लिए ये भूल गई थी कि वो उससे नाराज थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धांत ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया हो। या तो शायद सुमन आंटी सही कह रही थी, उसके मन में सच में सिद्धांत के लिए कोई स्पेशल फीलिंग थी जिसके कारण वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी। सिद्धांत उसे अंदर रिजॉर्ट में ले जाने ही वाला था कि अचानक से प्रज्ञा ने उसे धक्का दे दिया। उसने कुछ कदम पीछे लेते हुए सिद्धांत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या आपने ये करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था मिस्टर माहेश्वरी? सिद्धांत ने उसकी तरफ शौक के साथ देखा, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसे प्रज्ञा के साथ चीजों को स्लो ले जाना होगा, वो उसे खो नहीं सकता था। उसने प्रज्ञा की तरफ एक सीरियस लुक के साथ देखा और अपना सूट ठीक करते हुए उसे दो कदम दूर खड़ा हुआ और कहा, तुम अभी भी गुस्सा हो? प्रज्ञा ने एक लंबी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। मेरे पिताजी की फैक्ट्री से लेकर बांद्रा वाले घर के लिए और सुमन आंटी को वापस लाने के लिए। उसने उसको थैंक्स ऐसे कहा जैसे कि वो कोई अजनबी हो। इससे पता चल रहा था कि वो अभी भी उससे नाराज थी, लेकिन आज वो यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि वो उसकी शुक्रगुजार थी। अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहती हो तो मेरे लिए एक काम करो, सिद्धांत ने सीरियस लुक के साथ कहा। प्रज्ञा बहुत कंफ्यूज थी। एक काम? उसे पता था कि सिद्धांत के पास सब कुछ था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उसके पास ना हो। वो उसे ये बच्चा ही दे सकती थी। सिद्धांत ने उसकी तरफ एक स्माइल दी और फिर अपने पैंट के पॉकेट से एक बहुत ही एलिगेंट वेलवेट बॉक्स निकाला। उसने एक चार्मिंग लुक और स्माइल के साथ वो बॉक्स खोला और उसके अंदर जो कुछ भी था वो प्रज्ञा को दिखाया। उस ब्लू वेलवेट बॉक्स के बीचों बीच रखी हुई थी एक चमचमाती हुई डायमंड रिंग। उसका साइज और चमक कुछ और ही था। प्रज्ञा ने उस चमचमाती रिंग को शौक से भरी आंखों से देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो हिचकिचाहट के साथ बोली, ये क्यों? कहना क्या चाहते हो तुम? सिद्धांत की नजर उसके चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी और वो एक स्वीट स्माइल के साथ बोला, अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहती हो तो इसे पहन लो। प्रज्ञा का दिल उसके सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें बढ़ गई थी। क्या वो उसे प्रपोज कर रहा था? सिद्धांत ने प्रज्ञा का हाथ थामा और बॉक्स से निकालकर प्रज्ञा के हाथ में वो रिंग पहनाने ही वाला था कि वो अचानक से होश में आ गई और उसने अपना हाथ उससे छीन लिया। नहीं, उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा। उसे पता था कि सिद्धांत ये सब इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि शायद उसके पिता ने उसको फोर्स किया होगा, या वो उसके बच्चे को एक नाम देना चाहता था, या तो उसको अब वो लड़की मिल नहीं रही थी और अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए उसने प्रज्ञा को हमेशा के लिए अपने साथ रखने का फैसला कर लिया हो। नहीं, उसे ऐसा प्यार नहीं चाहिए था और वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। सिद्धांत गुस्से से मुस्कुराया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसे रिजेक्ट कर रही थी। ये उसका पहला प्रपोजल था और प्रज्ञा के अलावा कोई और लड़की होती तो वो खुशी से उछल रही होती, लेकिन सिर्फ प्रज्ञा ही उसे मना कर सकती थी। उसे लग रहा होगा कि वो मजाक कर रहा था या तो उसे अभी भी एक सब्स्टिट्यूट मानता था। सिद्धांत उसके पीछे भागा और चिल्लाते हुए बोला, प्रज्ञा रुको! वो रुकी नहीं, बल्कि उसने अपनी स्पीड तेज कर ली जैसे कि वो किसी भेड़िए से भाग रही। सिद्धांत ने उसको भागते हुए देखा और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। वो उसके सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सिद्धांत उसके सामने एक वॉल बनकर खड़ा हुआ था
जब सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ा वो चिल्ला कर बोली, मैंने कहा ना नहीं, तुम्हारे पास होगा पैसा और पावर लेकिन तुम मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती, प्रज्ञा ने कहा। लेकिन सिद्धांत ने गुस्सा होने की जगह उसकी तरफ एक काम एक्सप्रेशन के साथ देखा और उसके चिन्ह को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, अगर ऐसा ही है तो देखो मेरी आंखों में और कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो प्रज्ञा के साथ कई महीनों से था और जानता था कि प्रज्ञा कैसी थी, वो जानता था कि वो असल में क्या कहना चाहती थी। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो वो उससे इतना गुस्सा क्यों थी। उसके मन में सिद्धांत के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। प्रज्ञा ने एक शाही नजर से उसकी आंखों में देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना मुंह खोला ताकि वो कुछ कह पाए लेकिन प्रज्ञा एक भी शब्द नहीं बोल पाई। वो इस गेम को हार गई थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने दिल को कैसे रोके। लेकिन सिद्धांत को देखकर लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था, कि वो उसके बिना नहीं रह सकती थी और ना ही उसे छोड़कर जा सकती थी। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था कि उसने सिद्धांत के हाथ से वो रिंग का बॉक्स लिया और लेक के किनारे दौड़ते हुए गई और उसके एज पर खड़े होकर उस बॉक्स को उस लेक में फेंक दिया। उस बॉक्स के पानी को छूते ही एक आवाज आई और अगले ही पल उस साफ नीले पानी में वो नीचे चली गई। उसके बाद वो सिद्धांत की तरफ मुड़ी और गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम्हें मुझसे शादी ही करनी है तो उस रिंग को ढूंढ कर लेकर आओ, उसने कहा। इतना कहते ही वो वहां से मुड़ी और गेट की तरफ जाने लगी। सिद्धांत ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल बाद वो लेक की एज तक पहुंचा और बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने कपड़े और जूते निकालते हुए उस लेक में कूद गया। जब प्रज्ञा को लेक में कुछ गिरने की आवाज आई तो वो चौंक गई और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उसे देखते ही उसका दिल उसके मुंह में आ गया। सिद्धांत ने पानी में जंप लगा दी थी। वो क्या कर रहा था? वो लेक से वो रिंग वापस तो नहीं लेने गया था? क्या वो पागल था? वो एक नदी थी, ना कि कोई स्विमिंग पूल। उसकी गहराई का किसी को भी अंदाजा नहीं था। वो शौक के साथ नदी के किनारे पहुंची और चिल्लाने लगी, सिद्धांत कहां हो तुम? उसने डर भरी आवाज में चिल्लाया। सिद्धांत एक अच्छा स्विमर था लेकिन वो लेक एक बहुत ही बड़ी और गहरी लेक, उसमें एक रिंग मिलना मुश्किल था। सिद्धांत तुम पागल हो गए हो क्या? वापस आ जाओ, प्रज्ञा ने कहा। क्या होगा आगे? क्या फाइनली उनका रिश्ता एक मजबूत डोर से बंध जाएगा? क्या अब अतीत का सच सामने आएगा और क्या उसे अतीत के सच के कारण प्रज्ञा की जिंदगी बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियन, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सिद्धांत ने प्रज्ञा की एक नहीं सुनी। वो सांस लेने ऊपर आया और फिर नीचे डुबकी लगाकर उस रिंग को ढूंढने लगा। प्रज्ञा का दिल उसके मुंह में आ गया था। उसकी घबराहट हर एक मोमेंट बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धांत उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी लेकिन वो सिद्धांत को अकेले छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। सिद्धांत एक बार फिर से नदी के सरफेस पर आया और एक लंबी सांस लेते हुए पानी में अंदर चला गया। लेकिन इस बार वो बहुत देर तक बाहर नहीं निकला। इस बार उसको बहुत ही देर लग रही थी। जब प्रज्ञा ने देखा तो वो बहुत ही चिंता से भर गई। उसकी सांसें अटकने लगी। क्या हो रहा था? सिद्धांत ठीक तो था ना? वो वापस ऊपर क्यों नहीं आया था? सिद्धांत क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसने पैनिक के साथ चिल्लाया लेकिन उसको रिटर्न में सिर्फ शांति ही मिली। क्या हो रहा था? जरूर कुछ बुरा हो रहा था, नहीं तो सिद्धांत इतनी देर तक पानी में कैसे रह सकता था? कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी देर पानी के अंदर नहीं रह सकता था। पैनिक उसकी बॉडी को घेर चुका था। उसके कदम वहीं रुक गए थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके मन में भर रहे डर ने उसे होश मिलाया और उसने चिल्लाना शुरू किया, हेल्प, कोई मदद करो, प्लीज हेल्प, रंजीत, कोई तो आओ। उसने चिल्लाना शुरू किया। फिर उसने उस लेक की तरफ देखा और जब उसे कभी सिद्धांत नजर नहीं आया तो उसने कहा, सिद्धांत अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो ऊपर आ जाओ, मैं तुमसे बिना रिंग के शादी करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगी, उसने डेस्पिरेशन के साथ कहा। उसे लग रहा था कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। प्रज्ञा मैम क्या हुआ? रंजीत उसकी तरफ भागते हुए आया और वरिड आवाज में बोला, रंजीत कुछ करो, सिद्धांत लेक में गया है और वापस नहीं आया। प्रज्ञा ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ था। क्या? लेकिन बॉस उसमें कैसे चले गए? मैं यहाँ सालों से हूँ लेकिन आज तक किसी ने भी उसमें जंप करने की हिम्मत नहीं की। ये लेक बहुत ही गहरी है, रंजीत ने उसे सरप्राइज के साथ बताया। उसके बाद ने प्रज्ञा को डर से पैरालाइज कर दिया था। वो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गई। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। रंजीत को तैरना नहीं आता था इसीलिए वो रिजॉर्ट की तरफ भागा ताकि वो हेल्प ला सके। प्रज्ञा ने उस लेक की तरफ देखा जो कि शांति से भर गई थी। उसके दिल की धड़कन किसी रेल के डिब्बे की तरह आवाज कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो अपनी गलती के कारण सिद्धांत को खोने वाली थी? उसका दिमाग वापस से उस सीन पर गया। उसे याद आया कि कैसे उसके सामने हॉस्पिटल बेड पर सिद्धांत बेहोश पड़ा हुआ था
और उसका दिल तब भी बहुत दुखी था। इस बार भी वो उसकी वजह से लेक में कूदा था और अब एक बार फिर से वो उस पड़ाव पर थी कि जब वो उसे खोने वाली थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सिद्धांत प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं सब कुछ करूंगी। प्रज्ञा ने कहा, उसको लेक में वो रिंग नहीं फेंकनी चाहिए थी। वो जानती थी कि उसका एक पल का गुस्सा उसके दिल का इतना बड़ा दर्द बन गया था। अचानक से नदी में कुछ बुलबुले दिखने लगे और कुछ ही पलों में वो बड़े हो गए। उसने नोटिस किया कि उन बुलबुलों के बीच में से एक फैमिलियर इंसान बाहर आया। उसको देखते ही प्रज्ञा की जान में जान आई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। सिद्धांत को उसकी तरफ तैरते देख उसकी मुस्कान बढ़ गई और उसने एक चैन की सांस ली। बहुत ही स्किलफुली सिद्धांत किनारे तक तैरते हुए आया और किनारे पर आते ही वहां बिछी घास पर लेट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे कि वो बहुत थक गया हो। वो आसमान की तरफ आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसको अपने सामने देखकर प्रज्ञा खुशी से भर गई और उसको हिलाते हुए बोली, सिद्धांत तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही? रंजीत मदद लेने अंदर गया है। अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और उसने एक बड़ी मुस्कान दी। उसने अपनी बाहें खोली और प्रज्ञा को कस के अपने सीने से लगा लिया। प्रज्ञा उसकी बॉडी वार्मथ को महसूस करके बहुत सुकून फील कर रही थी। अचानक से वो हंसने लगा। प्रज्ञा उसकी हंसी सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गई और फिर चिड़चिड़ाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ पटकने लगी और बोली, आर यू मैड सिद्धांत? पता है मैं कितना डर गई थी, आज के बाद मुझे ऐसे कभी मत डराना। उसने अपने आंसू रोके हुए कहा, मैं ठीक हूँ, उसने हंसते हुए कहा। सिद्धांत अपनी जगह से उठा और प्रज्ञा को अपने बहुत ही करीब खींचकर उसकी आर्म्स प्रज्ञा की कमर में बांध ली। प्रज्ञा उसके दिल की धड़कन सुनकर काम फील करने लगी, लेकिन अगले ही पल सिद्धांत के हाथ उसके बालों में थे और उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचकर उसने प्रज्ञा के होंठों पर जोर से किस कर दिया। उस किस में एक अजीब ही तरह का पैशन था, जो कि अब वो रोकना नहीं चाहती थी। वो उसके पास था, वो सही सलामत था। उसने अपने आप को दिलासा दिया। सिद्धांत के लिप्स नदी के पानी की तरह टेस्ट कर रहे थे। उसने इस बार अपने आप को रोका नहीं। जितने भी डाउट्स और सस्पिशंस थे, उसने सब भुलाकर सिद्धांत को किस किया। वो इस किस में कहीं ना कहीं उसे अपने प्यार के बारे में बता रही थी। इस बार वो उसको जाने देने वाली नहीं थी। वो अपने डिजायर को अब नहीं रोकने वाली थी। पहले उसे डर था कि वो हर्ट हो जाएगी, लेकिन वो अब इस डर से डरने वाली नहीं थी। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। उसने सिद्धांत की गर्दन में हाथ डाले और उसको अपने करीब खींचते हुए और डीपली किस करने लगी। उनके बीच का टेम्परेचर अब बढ़ रहा था। उसी टाइम रंजीत दो सर्वेंट्स के साथ आया। वो अपने बॉस को बचाने के लिए भागा आ रहा था, लेकिन जब उसने प्रज्ञा और सिद्धांत को इतनी इंटीमेट पोजीशन में देखा तो वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसे लगा था कि उसके बॉस डूब रहे थे, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा था। रंजीत को मालूम था कि उसको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उन दोनों सर्वेंट्स को लेकर वापस अंदर चला गया। प्रज्ञा ने उनकी आवाज सुन ली और सिद्धांत से धीमे से दूर हुई। उस पैशनेट किस के बाद उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी सिद्धांत की नजर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसके ठंडे गाल अब शर्म से लाल हो गए थे। सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक ठंडी चीज रखी। प्रज्ञा की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो उस रिंग को वापस ले आया था और उसने इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था? इतनी बड़ी लेक में एक छोटी सी रिंग ढूंढ पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने सिद्धांत की तरफ शौक से देखा। तुमने कहा था ना कि अगर मैं ये ले आऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी, तो ये लो, सिद्धांत ने अनश्योर आवाज में कहा, जैसे कि उसे डर था कि प्रज्ञा शायद सच में उसे शादी ना करे। अगर वो उस रिंग को ढूंढकर नहीं मिलाता तब भी वो उसे शादी करने के लिए ना नहीं कहती। उसने कुछ देर के लिए महसूस कर लिया था कि सिद्धांत को खोने के बाद कैसा फील होता है। वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। सुमन की बात सही थी, वो उससे प्यार करती थी। वो इस गेम को हार गई थी, लेकिन उसने इस गेम की हार में सिद्धांत को जीत लिया था। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती, सिद्धांत ने उसके कानों पर निबल करते हुए कहा। प्रज्ञा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। लेकिन सिद्धांत इतने से सेटिस्फाइड नहीं था। उसने प्रज्ञा के चिन को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और प्रज्ञा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, कहो ना तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, उसने शर्माते हुए कहा। हाँ? सिद्धांत इतने से आंसर से खुश नहीं था। प्रज्ञा ने उस रिंग की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। उसकी इस बात को सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर जो स्माइल आई वो बहुत ही सुंदर थी। उसने प्रज्ञा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा, इसीलिए जब मेरे पिता ने तुमसे शादी करने को कहा था तब मैं तैयार नहीं था, और जब मैंने डिसाइड कर लिया और पिताजी और तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तब तुमने मुझे मना कर दिया। सिद्धांत उसे शादी करने के बारे में पहले ही डिसाइड कर चुका था। इस बात को सोचते ही उसके मन में एक वार्म फीलिंग आ गई। उसने सिद्धांत के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा और कहा,
तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसके सवाल को सुनकर सिद्धांत समझ गया कि उसको कुछ परेशान कर रहा था। तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहोगे? उसने बहुत ही काम आवाज में पूछा। प्रज्ञा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे जानना था कि सिद्धांत के दिल में क्या है, लेकिन उसको डर लग रहा था कि आखिर सच था क्या। उसने अभी अभी उससे शादी को हाँ की थी और वो उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। वो किसी और लड़की की यादों को सिद्धांत के मुंह से नहीं सुनना चाहती थी। उसे लगा था कि वो एक पोजेसिव इंसान था और प्रज्ञा को किसी के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो सिद्धांत से ज्यादा जेलस थी। वो उसे किसी और लड़की के बारे में बात करते हुए भी नहीं सुन सकती थी। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन वो इस चक्रव्यूह में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंस गई थी। सिद्धांत उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था, जिसके बिना अब उसको अपनी लाइफ इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उसको पता था कि अगर वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसे सच और विश्वास की बुनियाद पर भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके उनके रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। उसने अपनी हिम्मत बांधी और हाँ में सिर हिलाया। क्या होगा आगे? आखिर क्या था उस मिस्ट्री गर्ल के पीछे का सच? कौन थी वो? और क्या होगा जब तान्या सिद्धांत और प्रज्ञा के रिश्ते के बीच में आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियन, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्रज्ञा इस बात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि उसका यह सच सुनना बहुत ही जरूरी था। सिद्धांत ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं उस दिन अपने पैवेलियन में बैठा हुआ था। वो वही टाइम था जब मैं डिप्रेशन में था और मेरा किसी भी बाहर वालों से बात करने का मन नहीं करता था। मुझे आजू बाजू वाले हो रही चीजों की कोई भी चिंता नहीं थी। मैं किसी जिंदा लाश की तरह था और शायद मुझे उस वक्त जीने की भी तमन्ना नहीं थी। मैं उस वक्त धुएं के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि मुझसे कुछ ही साल छोटी होगी, वो मुझे वहां से खींचकर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो घर की कोई मेड या मेंबर नहीं थी, शायद वो कोई पासरबाय होगी। मैंने उससे मुझे वहीं छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी जिंदगी ना खोने के लिए डांट रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे एक सेफ जगह पर ले जाया और वहां से चली गई। सिद्धांत की आंखें उन लम्हों को याद कर रही थी। उसने आगे कहा, उसके बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मुझे मालूम था कि वो उसकी वजह से, क्योंकि भले ही हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उसने मुझे उस दिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए बचाया था। उसने मुझे मेरी जिंदगी की इंपॉर्टेंस बताई थी और अगर कोई स्ट्रेंजर मेरी लाइफ की इतनी चिंता कर सकता था तो मैं क्यों नहीं। सिद्धांत के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसकी बात सुनते ही प्रज्ञा ने अपने दांत पीसे। अब उसे समझ आ रहा था कि सिद्धांत उसके सेवियर की इतनी परवाह क्यों करता था। उसने न सिर्फ सिद्धांत की जान बचाई थी, बल्कि वो उसके डिप्रेशन से बाहर आने का कारण थी। प्रज्ञा को रियलाइज हुआ कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। ऑब्वियसली वो लड़की सिद्धांत के लिए जरूरी थी। उसने सिद्धांत के दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ दी थी। वो उससे कंपैरिजन कैसे कर सकती थी? सिद्धांत ने प्रज्ञा की इमोशंस को फ्लो होते हुए देखा और उसको कस के पकड़ लिया और आगे बोला, मैंने मोहित को कहा था कि वो उसको ढूंढे। मुझे लगा था कि अगर वो लड़की अचानक से मेरे घर आई थी तो वो आसपास ही रहती होगी या कोई लोकल होगी, लेकिन इतने सालों की तलाश के बाद भी मुझे वो नहीं मिली। शायद यही किस्मत में लिखा था। खैर छोड़ो, अब मैं उसको नहीं ढूंढूंगा। शायद समय आ गया था वो उस लड़की को भूलकर अपने पास्ट में ही छोड़ दे। मैं मानता हूं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था कि तुम वही लड़की हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें उसके जैसी ही है, लेकिन मुझे पता था कि तुम वो नहीं। प्रज्ञा ने उसकी तरफ देखा। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो प्रज्ञा से शादी क्या इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहा था, और अगर किसी दिन वो लड़की वापस आ गई तो क्या वो इस डिसीजन को रिग्रेट करेगा? लेकिन उसकी ये सब पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने प्रज्ञा को इतना बड़ा राज बताया था, वो उसी बात से संतुष्ट थी। भले ही वो उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नहीं थी, लेकिन अब वो उसके साथ हमेशा के लिए रह सकती थी। अब वो इस बारे में और नहीं सोचना चाहती थी। वो लड़की सिद्धांत का पास्ट थी। प्रज्ञा ने उसको कसकर गले लगा लिया। वो अब किसी और लड़की के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। वो उसके साथ रहने में सेटिस्फाइड थी। मुझे ठंड लग रही है, प्रज्ञा ने कहा। जब तक वो उसे चाहता था, वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार थी। सिद्धांत ने नोटिस किया कि प्रज्ञा के कपड़े उसके कारण गीले हो गए थे और वो कांप रही थी। उसने उसे जमीन से उठाया और अंदर ले जाते हुए कहा, तुम शार लेकर कपड़े चेंज कर लो। प्रज्ञा ने बिना कुछ कहे उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली और उसके सीने पर अपना सिर रखकर अंदर चली गई। कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे छिपी हुई तान्या ने सिद्धांत को अपनी बाहों में प्रज्ञा को ले जाते हुए देखा। गुस्से से उसने पेड़ में अपने नाखून गड़ा दिए। वो यहाँ प्रज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसने देखा था कि कैसे सिद्धांत ने प्रज्ञा को प्रपोज किया था और फिर जब प्रज्ञा ने रिंग को लेक में फेंक दिया था तो वो कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना उसमें कूद गया, क्योंकि वो प्रज्ञा से शादी करना चाहता था। उसने ये भी सुन लिया था कि वो प्रज्ञा के साथ इसीलिए थी क्योंकि वो उसके सेवियर की तरह दिखती थी।
उसने इन दोनों को जेलसी भरी आंखों से अंदर जाते हुए देखा। उसके जन्म से आज तक उसे किसी से भी इतनी जलन नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे एक ऐसी लड़की से जलन हो रही थी जो स्टेटस में उससे नीचे थी। ये भले ही किसी भी रीजन से रहा हो, लेकिन अब वो अपना चांस खो चुकी थी। लेकिन वो हार नहीं मानने वाली। उसने अभी तक सिद्धांत को अपने मन की बात नहीं बताई थी। प्रज्ञा की जीत सिर्फ उसकी किस्मत के कारण हुई थी। तानिया बहुत ही दुखी थी, क्योंकि अगर वो सिद्धांत के सेवियर की तरह दिखती तो वो आज सिद्धांत की बाहों में होती, प्रज्ञा नहीं। कुछ देर वहां खड़ी रहने के बाद वो अपनी कार की तरफ वापस चली गई। मैम, क्या हुआ? क्या आप सिद्धांत सर से नहीं मिल पाई? उसके ड्राइवर ने उसके लटके हुए मुंह को देखते हुए कहा। नहीं, और हाँ, किसी को मत बताना कि मैं आज कहाँ आई थी, तानिया ने उसे ऑर्डर दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसके ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और वो लोग पटेल विला की तरफ वापस निकल गए। सिद्धांत ने प्रज्ञा को एक किंग साइज बेड पर लेटाया, एक टॉवल लेकर उसके चेहरे को पोंछने लगा। उसने एक मेड से हॉट टब तैयार करने को कहा और प्रज्ञा को अपनी गोद में फिर से उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। मैं खुद शावर ले लूंगी, प्रज्ञा ने कहा। उसने प्रज्ञा के लाल गालों को देखा और उसकी नजर उसकी बेली की तरफ गई और कहा, अभी भी शर्मा रही हो मिसेस माहेश्वरी? उनका बच्चा 4-5 महीने में दुनिया में आ जाएगा, लेकिन प्रज्ञा आज तक उससे इतना शर्मा रही थी कि वो उसे शार नहीं देने देगी। इस बार वो उसको फोर्स नहीं करेगा। आज वैसे भी प्रज्ञा के लिए बहुत ही थकान से भरा हुआ दिन था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी दिक्कत के कारण प्रज्ञा और उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। जैसे ही सिद्धांत ने अपने हाथ हटाए, प्रज्ञा तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गई। 2 मिनट बाद उसके कमरे के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। अंदर आ जाओ, सिद्धांत ने कहा। सुनील कमरे में आया और उसने बाथरूम में नल की आवाज सुनी। उसने देखा कि उसके बॉस के चेहरे पर जो उदासी छाई हुई थी वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं उसके साथ कुछ दिन यहीं रहूंगा, सिद्धांत ने उसे बताया। ठीक है, मैं रंजीत को प्रज्ञा के लिए सारे इंतजाम करने को कह देता हूँ, सुनील ने कहा। इतने दिनों के बाद अब उसके बॉस और प्रज्ञा के बीच का रिश्ता सुधरा था, इसीलिए अच्छा होगा कि वो एक दूसरे के साथ कुछ दिन साथ रहे। उसकी नजर टेबल पर रखी डायमंड रिंग पर पड़ी और उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, बॉस, आपने ये कैसे ढूंढा? वो जब यहाँ आया था तब रंजीत ने उसे बताया था कि आखिर हुआ क्या था। उस रिंग को ढूंढने के लिए सिद्धांत लेक में कूद गया था। उसके बॉस ने वो रिंग ढूंढ ली थी, इस बात का उसको विश्वास था, लेकिन वो लेक बहुत ही गहरी थी और वो कोई क्लियर स्विमिंग पूल नहीं था। लेकिन इतनी सी रिंग उन्होंने कैसे ढूंढ ली? वो किसी घास में सुई ढूंढने के बराबर था। सिद्धांत ने एक छोटी सी स्माइल दी और पीछे बैठते हुए कहा, मैंने इसे कैसे ढूंढा? सुनील ने इगरली अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने बॉस की तरफ देखा। यहाँ आओ, सिद्धांत ने उसे अपने पास बुलाया। सुनील इस सीक्रेट को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस था और एक्साइटमेंट के साथ वो अपने बॉस की तरफ गया और सुनने लगा। ये एक सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा, सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। सुनील ने गुस्से से अपना पैर पटका। उसके बॉस प्यार में पागल हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बॉस के लिए बहुत ही खुश था। किसी लड़की को इम्प्रेस करने का मेथड अगर तुमको जानना है तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, अब तुम जा सकते हो, सिद्धांत ने उससे कहा। जैसे ही सुनील बाहर गया तो सिद्धांत की नजर उस रिंग पर पड़ी। उसने वो रिंग कैसे ढूंढी थी? शुरू से ही उसके पास 2 आइडेंटिकल रिंग्स थी। वो प्रज्ञा के गुस्से के बारे में जानता था और इसलिए उसने पहले से ही 2 सेम रिंग्स प्रिपेयर की थी। उसे पता था कि पहली बार में प्रज्ञा नहीं मानेगी और वही हुआ। उसने लेक में जंप करने के बाद वो दूसरी रिंग निकाल ली थी। प्रज्ञा के लिए एक सरप्राइज था, लेकिन सिद्धांत जानता था कि वो किसी भी ताकत को उन दोनों को एक होने से रोकने नहीं देने वाला था। प्रज्ञा एक लंबी टॉवल में बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि उसके लिए एक मेल शर्ट बिस्तर पर रखी हुई थी। ये पहन लो, सिद्धांत ने कहा। वो एक रॉब को पहनकर बैठा हुआ था। कोई और ड्रेस नहीं है? प्रज्ञा ने शर्माते हुए पूछा। उसने उस शर्ट को हाथ में उठाया। वो उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। सिद्धांत उसे बहुत लंबा था और वो शर्ट उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी बहुत लंबी थी। उसने जैसे ही एक क्वेश्चन पूछा तो उसे लगा कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन था, क्योंकि ये उसका प्राइवेट रिजॉर्ट था जहां सारे सर्वेंट्स मेल थे। यहां इतनी जल्दी लड़की के कपड़े कहां से मिलेंगे? तुम्हें लगता है यहां लड़कियों के कपड़े होंगे? सिद्धांत ने एक टीजिंग स्माइल के साथ पूछा। वो जानता था कि अगर बाय चांस यहां कोई भी फीमेल ड्रेस दिख गई तो प्रज्ञा गुस्से से अभी इस कमरे से निकल जाएगी। प्रज्ञा एंबैरेसमेंट से लाल हो गई। उसने वो शर्ट उठाई और चेंज करने दूसरे कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो सिद्धांत की तीव्र नजर उसके ऊपर थी। वो व्हाइट शर्ट में किसी एंजल की तरह लग रही थी। वो व्हाइट शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसके नीचे उसके स्मूथ पैर थे और उसके लाल गाल उसके इस लुक को और भी सेक्सी बना रहे थे। अभी भी ठंड लग रही है? उसने प्रज्ञा के पास जाते हुए पूछा। नहीं, शार के बाद अब ठीक है, उसने लाल गालों के साथ कहा। तुम्हारा शरीर गर्म लग रहा है,
क्या तुम्हें बुखार है? सिद्धांत ने उसके माथे को टच करते हुए कहा। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे चेक करने दो, उसने कहा और प्रज्ञा को अपने करीब खींच लिया। उसने अपने हाथ को उसके गाल से नीचे किया और उसका हॉट टच प्रज्ञा को भी बहुत कुछ फील करवा रहा था। Do you love me? सिद्धांत ने उसके कान को बाइट करते हुए पूछा। Yes, I love you, सिद्धांत। प्रज्ञा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। क्या होगा आगे? प्रज्ञा और सिद्धांत का ये मिलन क्या रंग लाएगा? क्या होगा तान्या का अगला वार? क्या होगा नील का अगला कदम सच छुपाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनिया, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्रज्ञा और सिद्धांत के बीच बहुत दिनों बाद सब कुछ ठीक हुआ था और उनकी दूरियां बहुत कम हो गई। प्रज्ञा जैसे ही शांत लेकर रूम से बाहर आई, सिद्धांत ने उसको बाहों में जकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसके बॉडी से टावल नीचे गिर गई। शायद सिद्धांत को प्रज्ञा का ऐसा रूप बहुत पसंद था, इसीलिए उसके अंदर प्यार का खुमार चढ़ने लगा और उसने बहुत ही प्यार और ध्यान से प्रज्ञा को बेड पर लिटाया और अपने कपड़े भी उतार दिए और प्रज्ञा के बगल में जाकर लेट गया। प्रज्ञा भी अपने आप को अब संभाल नहीं पा रही थी और सिद्धांत के टोन बॉडी को देखकर उसे अब रहा नहीं गया और वो सिद्धांत के बालों को पकड़कर उसे पागलों की तरह चूमने लगी। सिद्धांत भी पूरा होश खोकर प्रज्ञा के पूरे जिस्म को चूमने लगा, जिससे प्रज्ञा की सिसकियां तेज होने लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाने लगे, लेकिन सिद्धांत को पता था कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो पूरी सावधानी से प्रज्ञा से बेशुमार प्यार कर रहा था। सिद्धांत की भी पूरी बॉडी काफी उत्तेजित हो चुकी थी और प्रज्ञा का कोमल शरीर उसे और मदहोश कर रहा था। प्रज्ञा की कामुक सिसकियां सिद्धांत के जोश को और बढ़ा रही थी और वो सिद्धांत की हेल्प करने लगी उसको फिनाले तक पहुंचाने के लिए। कुछ ही देर में उन दोनों की आशिकी की सारी सीमाएं टूट गई और दोनों एक दूसरे में सिमट रहे, जैसे उन दोनों के लिए ये पल कुछ थम सा गया था। प्रज्ञा ने वापस से सिद्धांत को किस किया और बोली, आई लव यू सिद्धांत, आई रियली लव यू एंड नीड यू ऑलवेज इन माई लाइफ। सिद्धांत ने भी प्रज्ञा को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार किया। उसे रात को पटेल विला में नील ऑफिस से बहुत थक कर घर आया। उसकी मुंबई वाली ब्रांच यहाँ सेटल हो गई थी और काम की वजह से वो बहुत लेट हो जाता था। उसने घर में डाइनिंग पर डिशेस देखी, लेकिन वहां किसी ने भी खाना नहीं खाया था। उसने पूछा, क्या तान्या ने खाना नहीं खाया? क्या वो घर में नहीं है? तान्या ने इसी साल अपनी पढ़ाई खत्म की थी और नील ने उससे उसकी कंपनी में काम करने को कहा था, लेकिन उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। नील अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उसे आराम करने को कहा। उनका परिवार इतना अमीर तो था ही, ताकि वो उसको सब कुछ दे सकते थे। शायद वो शॉपिंग पर गई हो और अभी तक वापस ना आई हो। तान्या मैम साहब दोपहर में घर आ गई थी, लेकिन वो तब से अपने कमरे में ही है। मैंने खाने के लिए भी बुलाया था, लेकिन वो आई नहीं, उस सर्वेंट ने कहा। अब रात के 11 बज रहे थे। हुआ क्या है उसको? पता नहीं साहब, जब से वो घर आई है ऐसे ही उदास है, उस सर्वेंट ने कहा। दोपहर में वो कहाँ गई थी? उसने पूछा। पता नहीं साहब, उस सर्वेंट ने कहा। नील ने कन्फ्यूजन से अपनी बोहें से कोरी और उसके कमरे के बाहर जाकर नॉक किया। थोड़ी देर बाद एक धीमी आवाज आई। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, तान्या ने कहा। नील ने दरवाजा खोला और उसे बेड पर बैठा हुआ पाया। जब तान्या ने कदमों की आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा। क्या हुआ, तुमने खाना भी नहीं खाया? उसने पूछा। उसने तान्या को कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा। उसकी बहन सभी की आंखों का तारा थी और उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हुई थी। कुछ नहीं, आज बाहर बहुत गर्मी थी तो मेरा मन नहीं किया, तान्या ने बात को टालने की कोशिश की। अगर तुम मुझे सीधे से नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे ड्राइवर से पूछ लूंगा, नील ने उसे कड़क आवाज में कहा। उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे और तान्या अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तान्या को भी मालूम था कि वो चाह कर भी अपने भाई से कुछ नहीं छिपा सकती थी, इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं आज सिद्धांत से मिलने क्रिस्टल रिजॉर्ट गई थी। तो क्या हुआ, उसने कुछ कहा तुमसे? क्या उसकी बहन ने अपना दिल सिद्धांत के सामने खोल दिया था, और क्या सिद्धांत ने उसे रिजेक्ट कर दिया था? तान्या ने अपने हाथ मुट्ठी में बांधते हुए कहा। नहीं, उसे तो मालूम भी नहीं था कि मैं उससे मिलने गई थी। मैंने उसे प्रज्ञा को प्रपोज करते हुए देखा और फिर मैं आ गई, तान्या ने उसे बताया। सिद्धांत ने फाइनली प्रज्ञा को प्रपोज कर दिया था, वो यही चाहता था। प्रज्ञा को उसकी डिजर्विंग पोजीशन मिल गई थी। उसे इस बात से बहुत खुशी हुई क्योंकि उसकी दूसरी बहन, जो कि उसके परिवार के साथ नहीं थी, अब वो माहेश्वरी खानदान की बहू बन सकती थी। उसको समझ आ गया था कि तान्या सैड क्यों थी। वो सिद्धांत को सालों से पसंद करती थी और सिद्धांत को किसी और का होते हुए देखना बहुत ही दुखदायक होगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा,
मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धांत के पास प्रज्ञा है और अब वो किसी और का हो गया है। अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। भले ही वो उसे लाइक करती थी लेकिन वो लोग सालों से नहीं मिले थे और अभी सही समय था दूर जाने का। लेकिन तान्या को बहुत ही बुरा लगा कि उसका भाई उसका साथ नहीं दे रहा था। नील, तुमने ही मुझे सिखाया है कि कभी भी मुश्किल से हार नहीं मानते। फिर तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं सिद्धांत को छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। उसने दर्द भरी आवाज में नील से कहा। हर चीज का एक टाइम होता है। वो अपनी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता था लेकिन वो जानता था कि उसे ये कहना होगा। लेकिन अब वो किसी और का पति बनने वाला है। लेकिन उसने तो बस अभी उसे प्रपोज ही किया है, शादी थोड़ी ना हुई है। मेरे पास अभी भी चांस है ना? उसने अपने भाई की तरफ एक्सपेक्टेशन से देखते हुए कहा। वो अपने भाई का सपोर्ट चाहती थी। नील ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तान्या तुम अपने फायदे के लिए किसी की शादी तोड़ दोगी? हरगिज नहीं। पटेल परिवार की लड़कियां किसी के घर को बर्बाद नहीं करेंगी। अगर माँ पापा को पता लगा तो उन्हें कितना सैड फील होगा, क्योंकि हमें ये परवरिश कभी नहीं मिली। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। बाकी आदमी नहीं बचे हैं दुनिया में। तुम किसी इनोसेंट लड़की से लड़ोगी सिद्धांत के लिए? दुनिया में बहुत से आदमी हैं लेकिन मैं सिद्धांत को ही लाइक करती हूँ, उसने गुस्से से कहा। वो अपने भाई से बहुत ही चिढ़ी हुई थी। और मैंने कहा ना कि अभी उसकी एंगेजमेंट ही हुई है, मैं कोई बाहर वाली नहीं बन रही हूँ। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? अपनी बहन को इतना जलील कैसे कर सकते हो? तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। नील का पेशेंस खत्म हो गया था। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी का बसा हुआ घर उजाड़ने में क्या अच्छा है। तुम पटेल परिवार की बेटी हो, तुम्हारे लिए बाहर लड़कों की लाइन लग सकती है, इसलिए कह रहा हूँ अब ये जिद छोड़ दो। लेकिन तान्या उसकी कहां सुनने वाली थी और गुस्से से बोली, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सिद्धांत चाहिए और मुझे वो मिल जाए, मैं फिर बुरी बनूं या नहीं आई डोंट केयर। नील का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन सिद्धांत को इतना चाहती थी। वो उससे इतने सालों तक दूर थी जिसके कारण फीलिंग्स फेड हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी उसको चाहती थी। उन दोनों का भाई होने के नाते वो दोनों को ही दुखी नहीं देखना चाहता था। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देने वाला था। उसने अपने परिवार की शांति के लिए प्रज्ञा की आइडेंटिटी अपनी माँ से छिपा कर रखी हुई थी। उसकी माँ को नहीं पता था कि उनकी बेटी जिंदा थी। वो प्रज्ञा को दुख नहीं देना चाहता था और नहीं चाहता था कि उसकी माँ को जब पता चले तो वो दुखी हो कि उनकी दोनों बेटी एक आदमी के पीछे लड़ रही थी। यही सोचते हुए वो तेज आवाज में चिल्लाया, नहीं, मैंने कहा ना तुम सिद्धांत को छोड़ दोगी। दुनिया में और भी लड़के हैं, तुम उनको देखो, ना कि सिद्धांत को जिसकी शादी होने वाली है। पटेल परिवार की नाक बचाना तुम्हारा कर्तव्य है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुमने फिर भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें वापस पुणे भेज दूंगा और फिर तुम दादी के पास रहना, मैं यहाँ वापस भी नहीं आने दूंगा। उसकी बात को सुनते ही तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो जानती थी कि नील बहुत ही सीरियस था। भले ही नील बहुत ही दयालु और काइंड इंसान था लेकिन वो अपनी जुबान का व्यक्ति था। उसका माइंड चेंज करना उसके पिता से भी ज्यादा मुश्किल था और उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में उसे पुणे भेज देगा और वो कभी भी सिद्धांत को दोबारा नहीं मिल पाएगी। उसने अपनी आंखें चढ़ाई और कहा, मैं बस दुखी हूँ लेकिन ठीक है, किसी और लड़की से उसका बंदा नहीं छीनूंगी। नील ने अपनी बहन को इतना दुखी देखा तो उसका दिल पिघल गया और वो सॉफ्ट आवाज में बोला, देखो तान्या, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। प्रॉमिस मी कि तुम उन दोनों के रिश्ते में फूट नहीं डालोगी। तान्या ने गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बांधी और कहा, हाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगी, चलो नीचे आकर खाना खा लो। उसकी बहन प्यार में मात खाई थी लेकिन ये जख्म कुछ समय में भर जाएंगे। तुम चलो, मैं आती हूँ, तान्या ने कहा। नील ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे चला गया। उसके जाते ही तान्या का चेहरा आग बबूला हो गया। वो समझ गई थी कि उसके भाई के दिल में प्रज्ञा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और वो नहीं चाहता था कि तान्या उसे हर्ट करे। लेकिन क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर वो सिद्धांत को प्रज्ञा से छीन लेती है तो नील को प्रज्ञा मिल जाएगी, लेकिन फिर नील उसके खिलाफ क्यों था? नील प्रज्ञा की इतनी केयर क्यों करता था? लेकिन वो उसको किसी और के साथ शादी करते देख ओके था? तान्या इस बात से बहुत ही कंफ्यूज थी। सुबह की हल्की रोशनी एक खिड़की से पास होते हुए क्रिस्टल के सबसे बड़े रिजॉर्ट पर पड़ रही थी। प्रज्ञा को एक सॉफ्ट किस ने उठाया था। उसने नोटिस किया था कि सिद्धांत उसको कसकर बाहों में पकड़े हुए था और शायद वो सारी रात ऐसे ही सोए थे। लेकिन जब उसे एक बार फिर से सिद्धांत के लिप्स उसकी स्किन पर फील हुए तो वो बोली, सिद्धांत नहीं। कभी कभी वो खुद ही चौंक जाती थी कि वो अभी भी इतना कैसे शर्माती थी। वो इतनी भी शर्मीली नहीं थी लेकिन सिद्धांत जब भी उसके बहुत करीब होता था तो वो किसी छोटी बच्ची की तरह ब्लश करती थी जो कि अपने पहले प्यार के साथ। पहला प्यार? सिद्धांत का पहला प्यार कौन था? वो कभी भी इस टाइटल का श्रेय नहीं पा पाएगी। उसका दिल दुख से भर गया था। वो जानती थी कि ये सही समय नहीं था ये सब सोचने का।
उसने अपनी थॉट्स को गैदर करने की कोशिश की। वो अभी उसके साथ था, वही काफी था। फिर उसने सेल्फिशली सोचा कि शायद सिद्धांत उस लड़की से सारी जिंदगी मिल ही ना पाए। भले ही उसकी यादें बहुत ही अच्छी और प्रेशियस थी, लेकिन वो एक ना एक दिन उसे भूल जाएगी। क्या सोच रही हो? सिद्धांत ने अपनी चॉकलेट जैसी स्मूथ आवाज में कहा। तुम्हारे बारे में, प्रज्ञा ने आंसर दिया और शर्मा गई। उसकी टोन फ्लर्टी थी। वो जानती थी कि वो जब करण के साथ थी तब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना ही उसे करण को छूने का मन करता था और ना ही किस करने का। लेकिन सिद्धांत के साथ ये सब उल्टा था। उसकी फीलिंग्स जेन्युइन थी। जब उसने प्रपोज किया था तो उसने हाँ इसीलिए बोला था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। क्या सिद्धांत ने उसे सच में प्रपोज किया था और उसने हाँ कह दिया था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या होगा आगे? क्या होगा जब प्रकाश को उन दोनों के एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा? और क्या प्रज्ञा की शादी बिना किसी बाधा के हो जाएगी, या इनकी खुशियों के बीच में कोई नया चक्रव्यूह पैदा हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए झनूनिया, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।